बेटा तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मेरा भाई अभी आएगा। कहाँ गया तुम्हारा भाई? खाना लेने। तुम्हारा भाई कब से यहाँ से गया है? बहुत देर पहले गया था। ऐसा करो बेटा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा भाई आएगा, और रात बहुत हो गई है। अब चलो तुम मेरे साथ मेरे घर, मैं तुम्हें वहाँ पर खाना भी दूंगा और चॉकलेट भी दूंगा। चलोगी ना मेरे साथ? और बहुत जल्द मैं तुम्हारे भाई को ढूंढ लाऊंगा और अपने घर में रख लूंगा, समझी? चलो, चलोगी ना मेरे घर? चलो, अच्छी बच्ची, चलते हैं। तुम कह रही थी ना कि तुम्हें एक नौकरानी की जरूरत है, और इस समय हमारी सिचुएशन कैसी है तुम्हें पता है, तो क्यों ना हम इस लड़की से अपने घर का सारा काम करवाएं। हमें नौकरानी रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और घर के सारे काम भी हो जाएंगे, ये ठीक रहेगा ना? अब इससे बहला फुसला कर इससे सारा काम करवाओ और इसे पता भी ना चले। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दो रोटी ही तो खाएगी, खाने दो। हाँ बताओ। मेरी बहन को देखा है, छोटी सी है, कल या परसों यहाँ पे बैठी होगी। इधर नहीं, नहीं मैंने नहीं देखा। आज उदास क्यों हो? हमेशा भाई के बारे में पूछती रहती है, समझ में नहीं आता है क्या जवाब दूँ। अच्छा, तो उससे बोल दो कि तुम्हारा भाई मिल जाएगा जल्दी और हम उसे यहाँ ले आएंगे। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसे बता दो। से आई है तब से शुद्ध खाना भी नहीं खाई है, रोती रहती है और बीमार भी हो गई है। अब तुम ही बताओ क्या किया जाए। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, एक कोई दर्द वाली टेबलेट दे दो, वैसे भी इन गरीबों को कुछ नहीं होता, ये मरेंगे नहीं, समझी कि नहीं? क्या हुआ? लगता है बर्तन गिरा दिया है। जाओ देखो जाकर। काम करती नहीं, ऊपर से बिगाड़ती रहती है। जल्दी आओ, ऐसा देखो क्या हो गया है। ये तो मर गई। तो रुको, मुझे कुछ सोचने दो।